200 डॉलर देने के बाद भी तुम पानी का गिलास तक नहीं दे रहे हो। पूरे नवाब के बच्चे हैं, गाड़ी से भी नीचे नहीं उतर रहे हैं। ये ऑप्शन है भाई के झंडे पे आपको दिख रहा होगा कैनबिस डिस्पेंसरी और ऊपर लिखा हुआ THC। कितने मरीज आते होंगे मुझे पता नहीं है, सिर्फ गांजा लेने के लिए। इंग्लिश का मुझे ही नहीं बोलना आता हूँ, लेकिन पासपोर्ट उनके पास US का है। पुराने डिसेबिलिटी डॉलर आए हैं बिल्कुल। मुर्गे बहुत हैं यहाँ पे, पता नहीं है यहाँ। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के अंदर, एक नई जगह से। आप जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे, मैं अभी हूँ फिलहाल एक क्रूज के ऊपर और मैं जा रहा हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक से कैपिटल सैन युआन और जाएंगे हम सेल करते हुए। और वैसे फ्लाइट से है सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट, क्योंकि सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस फेरी से लगेंगे 13 घंटे। अभी 6 बजे निकली है, कल सुबह 8 बजे पहुँचा देगी सैन युआन। और इसकी टिकट मुझे पड़ी है $200, तो लगा लो 16,000 रुपये। इसमें कोई कैबिन वैबिन कुछ नहीं है, सिर्फ सीट मिली है मेरे को और मेरा जो लगेज था वो था, तो मैं कहीं पर भी बैठ सकता हूँ बार बार के अंदर। लेकिन जर्नी मज़ेदार होने वाली है। तो अभी आपको मैं थोड़ा बहुत क्रूज़ दिखाऊंगा, क्रूज़ कैसा है कि भाई फ्लाइट में 3 बार जा चुके हैं हम, तो क्रूज़ करके कैसा लगता है। तो बड़ी दिक्कतें हुई थी मेरे को यहाँ ये क्रूज़ पकड़ने के लिए भी, इस बिकॉज मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था। वो भी मैंने नई वीडियो बनाई है, वो भी देखना। ये है भाई यहाँ का बार एरिया और यहाँ से लंबे सोफे लगे हुए हैं। मैंने क्रूज़ पहले भी पकड़ा हुआ है, जर्मनी से पकड़ा था मैंने वो, लेकिन शायद मेरे ख्याल 3-4 घंटे का था। नहीं, कैबिन उसमें भी होते हैं क्या भाई आपको भाई अपना लेट रहा है तो, लेकिन ये 13 घंटे का। तो हाँ, हालांकि इसमें कैबिन की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ लेट जाऊँगा आराम से यार। इतने लंबे लंबे सोफे लगे हुए हैं और दुनिया लेटने वाली है यहाँ पे यार, हर किसी ने कैबिन नहीं लिया हो तो दुनिया लेटेगी यहाँ पे, तो यहाँ बढ़िया पैसा बच जाएंगे। और मेरी फ्लाइट अगर मैं देख रहा था, फ्लाइट आ रही थी मेरी $150 की विदाउट बैग, तो बैग ऐड करता तो वो भी $200 की पड़ती और ये भी $200 की पड़ी है मेरे को। इसमें बैग वैग भी आ गया, इसमें यार टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ठीक है मैं सुबह कल 8 बजे पहुँच जाऊँगा, तो पूरा दिन है अपने पास। भाई ये बैग को ना रख ही रहा हूँ मैं रिसेप्शन पे पूछ के, साथ साथ लेके आना मुश्किल हो जाएगा, बेकार ही काम है। बैग भी नहीं रखा, बोली आपको अपने साथ लेना पड़ेगा, तो कैबिन ले लो। मैं भाई ये सही चीज़ है, कैबिन चेप दो। फिर बोला अच्छा पानी वानी खाने वाने का क्या सीन है, कुछ टिकट में इंक्लूडेड है? बोली कि नहीं, लंच डिनर और आपको ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, बुफे मिलेगा $22 का ईच। तो मैं अच्छा पानी वानी, बोली वो भी आपको बुफे में फ्री मिलेगा, लेकिन बुफे खरीदना पड़ेगा। अगर मैं बुफे नहीं खरीदता हूँ तो बोली फिर आपको बॉटल लेनी पड़ेगी। अगर सही चाड़े पाड़ रहे हो भाई तुम तो यार, $200 देने के बाद भी तुम पानी का गिलास तक नहीं दे रहे हो। ऐसे भाई ये कसिनो के स्लॉट मशीन लगी हुई है और इस तरफ पीछे छोटा सा ड्यूटी फ्री है, दारू से जो आप ले सकते हो। बाकी इस थर्ड क्लास में क्रूज है जो देखा जाए तो, इसमें लिफ्ट भी नहीं है डेक चेंज करने के लिए, वो भी आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी इतनी घूम रही है यहाँ पे ऐसे पुलिस वाले कि ऊपर मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ बोले यहाँ मैं सो गया था, मतलब सोना अलाउड नहीं है भाई, उठ जाओ। तुम तो ऐसे घूम रहे हो, पता नहीं ये जहाज कहाँ मार्स पे जा रहा है, हर 10 मिनट में आते हैं। और सीढ़ियाँ बता रहा था मैं, सीढ़ियाँ ऐसी हैं यार। अपने को जाना है 8 बजे पे, अभी हमें 6 बजे पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। ये स्टेशन है भाई एक्चुअल में सोने के लिए ना, ये सीटें दी हुई हैं, रिक्लाइन करके सो सकते हो। अभी तो भाई 8 भी नहीं बजे, 10 बजे तक बुफे खुला रहेगा इनका, तो एग्जैक्ट 9:30 बजे जाऊँगा। ऐसे रैक्स दे रखे हैं सामान रखने के लिए ना, यहाँ रख दूँगा मैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं रख के आ गया हूँ सीट पर ऐसे ही। बस ठीक है, फिर चोरी कौन ही करेगा यहाँ पे यार। भाई ले रहा हूँ बुफे $22 का, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन सही है खाना तो उसके अंदर 1700-1800 रुपये का बुफे यार। एंड वी हैव टू बाय द ड्रिंक्स और फिर पानी कॉफ़ी और कोला इंक्लूडेड है, बियर इंक्लूडेड। ये ऑप्शन है भाई डिनर के, मेन कोर्स के अंदर यही है, उस तरफ फिर सैलड्स रखी हुई हैं इस तरफ से, और काफ़ी डिजर्ट है आखिरी में। तो फटाफट मेन कोर्स चेकते हैं। तो ये खाना लिया है तुम्हारे भाई ने, फेल के ले लिया है, क्योंकि मैंने सुबह क्या मतलब उठा था मैं तो 12-1 बजे उठा था मैं, क्योंकि मैंने 6 अंडे खाए थे, प्रोटीन पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था मैं, क्योंकि बसूरी में फंस गया था मैं टिकट विकेट के ना। इसमें शावर भी है तो सुबह उसके आप नहा भी सकते हो। इस फेरी में 2 चीज़ सही है, एक तो सारा AC इनका, भाई साहब ठंड लग रही थी रात को, सभी मतलब टिकटें पड़े हुए थे,
किसी ने कंबल उड़ रखे थे, किसी ने जो चद्दरों से पर्दे थे वो उतार के उड़ लिए। कितना भयंकर ए सी चला रखा था उन्होंने। दो चीज़ सही है, एक दिन का ए सी और एक दूसरा ये कि उनके पास शावर है। और अभी हम पहुँच गए हैं लगभग सैनिवान के पास, 7:15 हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में और पहुँच जाएगा, लेकिन पार्क करने में आधा घंटा लगता, तो शायद 8 बजे तक का टाइम दे रखा होता है। उस तरफ आप देखोगे आपको दिख जाएगा पोर्टो रिको। पूरे डिसम्बार्केशन की लाइन लगी हुई है, ग्रुप वाइज डिसम्बार्केशन हो रहा है। मेरा ग्रुप ही नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं लास्ट में आया था तो उन्होंने मेरे को कोई बैंड नहीं दिया, उन्होंने बोर्डिंग कार्ड पे लिखा हुआ है ग्रुप 2, लेकिन मैं ग्रुप 1 में ही जा रहा हूँ। अभी 35 मिनट हो चुके हैं इसको डॉक हुए जहाज को, अभी तक बहुत लोग, कम से कम मेरे ख्याल से 500-700 लोग होंगे इस वैली के अंदर। आ गया नंबर 5 नीचे उतरने का। देखो जो एक बंदा दिख रहा है ब्लैक ड्रेस के अंदर, ये शेफ है, उसका भी इसकी भी ड्यूटी लगा रखी है डिसम्बार्केशन के अंदर। जिनके पास गिना चुना स्टाफ है वही सारे खाना भी बना रहे हैं, वही डिसम्बार्केशन भी करा रहे हैं। सही जो सब कुछ ही मैनुअल है भाई, बैग वैग अगर तुम्हारे पास है तो ये बंदे थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, लेकिन ठीक है मैं खुद ही उठा रहा हूँ। ये पीछे जहाज दिख रहा होगा आपको, पैसा तो बड़ा है लेकिन ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है क्रूज के नाम पे। बस ये है कि इसकी टाइमिंग सही है, मान लो सांतो डोमिंगो साहब ने चेकआउट कर दिया 3 बजे या 2 बजे, फिर यहाँ डायरेक्ट इस जहाज पे आ जाओ और पूरी रात सो के निकाल दो, सुबह यहाँ अभी एग्जैक्ट 9:15 बजे है, 9:15 बजे डिसम्बार्केशन होगी। हाँ बाहर निकल के भी मैंने ना वो बुक की थी उबर, तो और यहाँ डॉलर चलता है भाई, ठीक है US डॉलर चलता है यहाँ पे। तो अब ये US के अंडर में ही है पूरी कंट्री, शायद नहीं कंट्री का स्टेटस है भी या नहीं है ये भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन US के चेले हैं पूरे, बच्चा US का एक पैसे लगा लो। तो मैंने बाहर जो लेडी एक लड़की थी असिस्टेंस को, मैंने उसका मैंने बोला कि ऐसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ मेट्रो शेटरो मतलब कुछ नहीं है, तो क्या ये तो कैब या टैक्सी, तो या तो ऊबर या टैक्सी, या किसी लोकल टैक्सी होती है, मतलब किसी ऊबर कर लेता हूँ मैं। उसने इंटरनेट दिया भाई से, मैंने बुक कर दी। मैं बड़े बंदे हेल्पफुल हैं, चबरी लैंग्वेज ना बोलनी आती लेकिन हेल्प करते हैं। ऐसे यहाँ ऊबर का पिकअप पॉइंट बना हुआ है, यहाँ आ जाइए बढ़िया। और जो भी पोर्टो रिको का सिटीजन होगा ना वो US का सिटीजन है एक तरह से, सबके पास US पासपोर्ट है भाई। इंग्लिश का उनको ई नहीं बोलना आता हो लेकिन पासपोर्ट उनके पास US का है। ऊबर आ गया, पूरे नवाब के बच्चे हैं, गाड़ी से भी नीचे नहीं उतर रहे हैं, ये खुद ही सामान रख दो अपना। इस भाई को भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैंने इसे बोला है कि या तो बस कार्ड की मशीन है तो मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, नहीं तो मैं किसी ATM पर रोक दियो। समझाना मुश्किल हो गया लेकिन ऑफलाइन डाउनलोड ज़रूर कर लेना ट्रांसलेशन, उसके बिना गुजारा नहीं होगा। ATM पे आ गए हैं, अब यहाँ से निकालते हैं पैसे। कार्ड भी यहाँ से नहीं डलता, ऐसे डलता भाई कार्ड दे देखो। अब क्या फीस कटेगी, कितनी फीस कटेगी पता नहीं भाई, मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि इसमें इंग्लिश का ऑप्शन है तो चूज़ कर सकते हैं अपन। ये चीज़ सही है ना, जो कॉलोनीज होती है ना इंग्लिश कॉलोनीज भी कहते हैं, यहाँ सही है कि सला दिक्कत नहीं है लैंग्वेज की। $300 निकाल लिया, 500 निकाल लेते हैं यार, काम आ जाएंगे ये भी ना। $500 निकाल रहा हूँ मैं, करेक्ट $6 निकाल रहा है भाई, चूजन ठीक है। $6 ₹500 ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। वहाँ पे भी तेल लगे थे डोमिनिकन रिपब्लिक में, लेकिन वहाँ मैंने निकाल दिया कितने से, मैंने $200 निकाले थे, यहाँ 500 निकाले थे, चल ठीक है फिर उसके हिसाब से, यहाँ ठीक है आ जाएंगे। गर्मा गर्म डॉलर आन दो भाई, आन दो। ये आ गया पुराने डिसेबिलिटी डॉलर आए हैं बिल्कुल। कंट्री की कितनी महंगी सस्ती होती है ना, उसका थोड़ा बहुत रूल से पता लग जाता है, जैसे आप कंट्री में एंटर करते हो सफाई कितनी है वहाँ पर और रूल्स कितने फॉलो हो रहे हैं। जैसे यहाँ भाई ने बेल्ट लगाई हुई है, मैंने बेल्ट लगाई हुई है, तो फील हो जाता है ना कि पक्का महंगी कंट्री होगी, ऑब्वियसली डोमिनिकन से महंगी होगी, हालांकि उसे सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है कंट्री है, उसी मतलब समुंदर में है और कैरिबियन के अंदर आती है, लेकिन फिर भी दिन रात का फ़र्क होने वाला है हर चीज़ के अंदर। $12.5 लगे टैक्सी के, और उसने साले बंद नहीं किया मीटर ना, जब मैं आगे पहुँच गया था बात करने लग रहा था मेरे से, तो 12:30 के 12:76 कर दिए उसने, और फिर 13 ही लिए मेरे से, 25 सेंट वापस नहीं किए। मैं चल ठीक है क्या बताऊँ, हरामी सारे ही हैं सारे पैसों के मामले में। ये भाई हॉस्टल सिर्फ पीछे $26 का पड़ा है, ठीक है अभी तो रूम रेडी नहीं है मेरा, अभी बजे हैं 12:45, 3 बजे का इनका चेक इन है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आता 3 बजे का चेक इन क्या तो होता है, 11 बजे का चेकआउट है, कुछ खा लेते हैं अभी। बगल में ये एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट सा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अभी धूप नहीं है, अभी बादल आ गए हैं, लेकिन सही है, इतनी धूप चाहिए भी नहीं भाई कि बिल्कुल ही चला दे। ऐसा तो कोई जगह हो नहीं सकती जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट ना हो किसी भी देश के अंदर, एक गणेशा करके इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं नहीं खाता क्योंकि मेरे को इतनी मसाले वसाले मेरे को पचते नहीं है भाई। भाई ये मंगाया है, ये है $14 का, और ये आज हैप्पी आवर से मिल रही है $2 की, US डॉलर में सब कुछ है, जो भी प्राइस है होगी US डॉलर के अंदर। ये बिल है भाई 12 की वो था क्या कहते हैं कसडिया जो भी था, और 14 का बनना था टोटल, तो $1.5 तो इन्होंने
स्टेट टैक्स वगैरह लगा दिया, तो कॉमन सी बात है, तो 15.5 का आया, लेकिन ठीक था, पेट भर गया, अभी सही क्वेश्चन था। खा पी के निकला हूँ भाई, अभी एक बहुत ही सही चीज़ और एक बहुत ही अतरंगी चीज़ मेरे को दिखी है। ये देखो, ये THC द कैनबिस हेल्थ क्लिनिक करके कुछ है, झंडे पे आपको दिख रहा होगा कैनबिस डिस्पेंसरी और ऊपर लिखा हुआ THC द हेल्थ क्लिनिक। जब कभी गांजा ट्राई करता था 12th के बाद, तो मैं दोस्त था एक, वो मेरे को बोलता था कि भाई इसके हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, डॉक्टर इसको दवाइयों में यूज़ करते हैं, तो मैं लगता था कि पागल बना रहा साला कुछ सिर्फ गांजा फुकवाने के चक्कर में। लेकिन आज ये देख के लग रहा है पहली बार मेरे को सीधी वो बात दिमाग में आई है मेरे, इतने कितने साल पहले की बात है, मैं 12th में था, होगी 12-15 साल पहले की, पता नहीं। अब मेरे को देख के लग रहा है कि हाँ भाई दवाइयाँ भी बनती ही होगी इसकी, पूरा क्लिनिक खोल रखा है, डिस्पेंसरी खोल रखे इन्होंने, कितने मरीज आते होंगे मेरे को पता नहीं है सिर्फ गांजा लेने के लिए। गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट बड़ी सही है यहाँ पे ना, रंगीन सी है ये, ऐसे बना हुआ बैकग्राउंड के अंदर पोर्ट सा और पीछे नंबर लिखा हुआ है। और मुर्गे बहुत हैं यहाँ पे, पता नहीं है यहाँ पे ही मुर्गे घूम रहे हैं, देखो ये मुर्गा, पहले भी रोड पे मुर्गे देखे हैं, क्या चक्कर है। और यहाँ पे भी आगे किसी ने नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई है, सेम डोमिनिकन में था वहाँ पे भी आगे किसी की नंबर प्लेट नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कि मेरे को अजीब लग रहा है या कि नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इंडिया में तो भाई दोनों जगह होती है और पूरे यूरोप के अंदर भी आगे पीछे दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ मैंने पहली बार देखा कि आगे की प्लेट ही गया है, US के अंदर पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, अभी जाऊँगा इस ट्रिप के एंड में, जो वहाँ देख के शायद पता लगेगा। इनका झंडा सिर्फ इस झंडे में और क्यूबा के झंडे में एक चीज़ का फ़र्क है, जो इनका ब्लू ट्रायंगल है वो क्यूबा में लाल है और जो इनकी लाल स्ट्राइप्स हैं वो क्यूबा वाले में ब्लू हैं, एग्जैक्टली सेम झंडा है, बस स्ट्राइप्स और ट्रायंगल का कलर अलग है। और ये स्केट पार्क बनाया हुआ है बड़ा धासु, ग्राफिटी देखो कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, ये देखो भाई साहब काफ़ी सही है। यहाँ पर ये बीच के बगल में ही है जस्ट ना, अपन को तो आती नहीं स्केटिंग, है स्केटिंग आते हैं, रोलर स्केट्स आते हैं, लेकिन स्केट बोर्डिंग नहीं आती मेरे को ना, सीखने का बड़ा मन था लेकिन अब टाइम निकल गया भाई, क्योंकि हड्डी वड्डी टूटती है तो जुड़ने में काफ़ी टाइम लगता है अब ना। और इस तरीके से ऐसा बड़ा ही सही सा ये एक वॉक बना रखी है, बीच पे निकलती है ये स्केट बोर्ड पर रखा, तो मतलब सही देखने में काफ़ी सही लग रहा है। ये पोर्टो रिकन पानी देख लो कैसा है, टर्कोइज कलर का, लेकिन रेत इनकी ब्राउन है, वो पुंटा काना वाली वाइट सैंड नहीं है। वेव बिल्कुल पटाखा बजा रही है इस पर लग के ना, अभी दिखाऊंगा आपको, ये देखो काफ़ी ऊँची ऊँची भी निकलती हैं ना। उस तरफ बीच है बैठने का थोड़ा सा, वहाँ जाके चलते हैं अभी थोड़ा। ये इनकी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इस तरफ भी सारे सही बढ़िया सी फेसिंग अपार्टमेंट है, ज़बरदस्त महंगे होंगे। और यहाँ पे ना पोर्टो रिको के अंदर एक चीज़ और है कि जो ऑब्वियसली ये अमेरिकन कॉलोनी है, कॉलोनी तो इसके स्पेनिश थी, लेकिन अब फ़िलहाल अभी कब्ज़ा अमेरिका का है, तो अमेरिकन बंदे काफ़ी यहाँ के इन्वेस्ट करते हैं, अगर यहाँ पर 6 महीने रहते हो ना आप यहाँ पर साल में, तब यहाँ के आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ बिजनेस खोल सकते हो अपना, तो सारे के सारे जो भी वहाँ के बंदे होते हैं जिनको टैक्स बचाना होता है, अपना टैक्स इवेड करना होता है, वो यहाँ आते हैं अपना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा मेरे को पोर्टो रिको के एक बंदे ने बताया था। ये पत्थर लगा रखे हैं उन्होंने ताकि ना ये एरिया नहाने के लिए बन जाए और डीप ना लगे और वेव्स भी ज़्यादा ना आए, कई जगह किया होता है ऐसे ना। ये मेरे हॉस्टल के जस्ट बगल में है, वो मेरा हॉस्टल वहाँ पर है, और ये स्केट पार्क था और यहाँ चल के वापस में आ गया, पीछे बारिश आ गई थी वो बात अलग है। अभी फ़िलहाल तो ये था जो जिस जगह मैं रह रहा हूँ, ये सेंटर में एक तरह सेंटर क्या मतलब है, यहाँ से हर चीज़ें बराबर डिस्टेंस पर, ओल्ड टाउन भी और जो 2-3 जगह और देखने वाली हैं वो भी। तो अभी फ़िलहाल तो अभी क्या बज गए, 2:30 बज गए हैं, तो जाता हूँ अपने हॉस्टल में वापस और रेस्ट करता हूँ, फिर निकलेंगे शाम को। शायद ना रात को एक कयाक टूर होता है, रात को LED लगी होती है पूरे कयाक के साइड में, बड़ा सही लगता है वो, $50 का होता है शायद वो, मैं उसको अभी जाके नेट पे चेक करता हूँ क्या उसके क्या अवेलेबिलिटी हैं और क्या टाइमिंग्स हैं, वो करेंगे फिर, तो बाकी शाम होगी तो निकलेंगे।